भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। कितने होशियार हो तुम लोग, तुम रहो और अभी अभी सब अपनी अपनी गाड़ी में ओके बाय सी यू महाराज, अब तो तुम यहीं रहोगे, हम जाते भुगतेगा बिचारा नरेंद्र। शाम का वक्त होने जा रहा है। एक सेठ की चार पत्नी थी, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि तुमसे ज्यादा मुझे अपनी चिंता है। और चार पत्नी जिस सेठ की हो उसमें खींचतान की तो फिर पूछना ही नहीं है कुछ। एक आदमी ने मुझसे पूछा कि बताओ महाराज, राम जी को वनवास हुआ, सीता जी बन क्यों गई, उनको तो दशरथ ने वनवास नहीं दिया। मैंने कहा बिल्कुल सीता जी को वन में जाना चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा बहुत अच्छा निर्णय लिया, जिस घर में तीन तीन सास हो उससे तो जंगल ही अच्छा है। क्या करती रह के तीन तीन सास में, एक से तो चलता नहीं, उससे अच्छा जंगल में ही रहो। एक सेठ की चार पत्नी थी और उन चार पत्नी में वह सेठ चौथे नंबर की पत्नी से बहुत प्यार करता था, पहले नंबर की पत्नी को चाहता ही नहीं था। पहले को चाहता तो चौथी कहां से आती, चाहते नहीं था। चौथे नंबर की पत्नी से उसे बहुत प्यार था, उस पत्नी के बिना वो रहता नहीं था, सारा समय सारा वक्त उस पत्नी के साथ ही वह गुजारता था। तीसरी पत्नी भी थी, उसे भी प्यार करता था पर उतना नहीं जितना चौथी को करता। हाँ, जैसे तेरे घर की कहानी हो, बेटे दो फिट का कह रहा चौथी तीसरी चौथी को करता था। इतने जल्दी पूरा प्रवचन इसको याद है। तीसरी पत्नी का भी प्यार, पहला दिन हंसते खेलते गुजरना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा सीरियस वाला मामला नहीं ले रहा। ऐसा प्रवचन करो जो बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो चौथे नंबर की पत्नी को बहुत प्यार करता था, तीसरे नंबर की पत्नी को भी प्यार करता था, क्योंकि डरता था कि कहीं वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ भगाए या चली जाए, किसी और के साथ ना भाग जाए। डर था उसे कि ये मुझे छोड़ करके कहीं और जा सकती है, और ये कहीं और चली गई तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। पहले चौथी से प्यार है, दूसरे से प्यार है, प्यार इसलिए है कि ये मुझे छोड़कर कहीं और ना चली जाए। एक दूसरी पत्नी और थी, उसे तो थोड़ा कम प्यार करता, वह उससे थोड़ा कम लगाव था, वह सोचता था कि चलो ठीक है, कभी जभी बुरे दिनों में ये साथ दे देते हैं, कष्टों से उबार लेते हैं, संघर्ष से उबार लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्यार इनसे रखना चाहिए। और चौथे एक नंबर की जो पत्नी थी, नंबर वन पत्नी से वह कभी भी प्यार नहीं करता था। लेकिन एक नंबर की पत्नी छोड़ने को तैयार नहीं थी, बड़ी ढीठ रही हो कि तू जहां जाएगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया। पहले नंबर की पत्नी जो थी वह बड़ी ढीठ रही होगी, उसने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी चाहे तू कहीं भी चला जाए। एक दिन सेठ को लगा कि चार पत्नियां हैं। एक दिन सेठ के अंतिम समय आया, मृत्यु का समय आया, बहुत जल्दी आ गया, चार पत्नी में तो जल्दी आएंगे, एक में ही मरे जा रहे हैं लोग। अंतिम समय आए, डॉक्टरों ने कहा कि बस दी एंड होने वाला है फिल्म का। तो उसने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, मुझे चार पत्नियां छोड़कर जाना पड़ेंगी। बोले वो तो छोड़कर जाना पड़ेगी, तो बोले ऐसा करो कि मुझे, मैं जिस पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उससे जाकर के पूछता हूँ कि मैं अब दुनिया से जा रहा हूँ और तू मेरे साथ चलेगी या नहीं चलेगी। बुलाया जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता, कौन से नंबर की, हाँ दूसरों की पत्नियों के नंबर जरूर याद होंगे तुमको।
भगवान का कौन सा नंबर ये नहीं मालूम होगा। तो चौथे नंबर की पत्नी को बुलाया और बुला करके उससे पूछा कि मेरी मृत्यु का समय आ गया है, मेरे मरने का समय आ गया है, मेरे जीवन का अंत हो रहा है, बोल मैंने तुझे सबसे ज्यादा चाहा है, क्या तू मेरे साथ। चौथे नंबर की पत्नी ने कहा, बोलो नहीं जाऊंगी। क्या काहे को करा रहे बाबूजी को, ये वो कहे नहीं कहे, ये तो कह रहे कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। चौथे वाली ने बड़ी बेरुखी से कहा कि ध्यान रख, तू भले मुझे ज्यादा प्यार करता हो, ध्यान रखना जो सगा है वही जीवन का सबसे बड़ा दगा है, जो सगा होता है वही दगा दिया करता है, जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं वही दिल तोड़ा करता है। अरे दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर को आग लगती है घर के। सबसे ज्यादा जिसे प्यार करोगे वही धोखा देगा, ध्यान रखना। इसलिए ज्यादा प्यार व्यार मत करो, जाने वालों मेरे साथ चलो। बोले कि मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं जाता। अरे उसने कहा कि मैंने तुझे सबसे ज्यादा चाहा है, तेरे बिना मैं एक दिन भी नहीं। बोले रहा हो या नहीं रहा हो, तू बुढ़ा हो गया, तेरा समय खत्म। तो बोले तू क्या करेगी, बोले मेरा जो होगा होगा, तू अपना टेंशन ले, मेरे लफड़े में मत पड़। तू बड़ा दुख हुआ, काटो तो खून नहीं उसको, कि जिसके लिए जान दी, तीन पत्नियों से प्रेम नहीं किया। वो चौथी कहती है कि मैं तेरे साथ एक मैं तेरे साथ जाने वाली नहीं। उसने कहा चलो तीसरी को मारो गोली, तीसरी को बोलो। तीसरी वाली से पूछा तू मेरे साथ चलेगी, बोले मैं बहुत सुंदर हूं, हर कोई मुझसे अट्रैक्ट रहता है, हर कोई मुझे पसंद करता है, मैं तो रास्ता देख रहा हूं तू कब मरे और मैं दूसरे के साथ। अरे उसने कहा मुझे तुझसे यही डरता। बोले बस यही डरता तो समझ ले तू मरा कि मैं किसी और के साथ चली। कहां जाएगी, बोले कहीं भी चली जाऊंगी, मेरा कोई चरित्र नहीं है, मेरा कोई जीवन के संस्कार नहीं है। अरे मैं एक को छोड़ के दूसरे से प्यार करने लगती हूँ, एक को छोड़कर दूसरे से शादी कर लूंगी, और हो तो हो, तुझसे तो कर ली और तू चला गया, तेरे लड़के से भी मेरा प्रेम हो गया है, अब कितनी चरित्रहीन होगी। देखो ऐसी कर रहे, देखो जिस इनके घर में बहू आ गई। बोले मैं किसी से भी शादी कर लूंगी। अरे उसने कहा ये भी बेवफा है। दूसरे नंबर की पत्नी को बोला चल तू आ। आदमी बड़ा होशियार है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो। दूसरे नंबर की बुलाया तू मेरे साथ चलेगी। अरे बोले हाँ देखो तुमने चाहा तो मुझे नंबर दो में है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चाहती हूँ, चलो तुम्हारे साथ चलूंगी। बोले मैं जहां जाऊंगा वहां चलेगी। बोले नरक जाऊंगा तो नरक। अरे उसने नरक स्वर्ग का लफड़ा बड़ा कुछ नहीं है, जितना तूने प्यार किया उतना ही मिलेगा, चलूंगी थोड़े दूर तक। बोले ये बड़ा गड़बड़ है। बोले नहीं तूने जितना साथ दिया उतना मैं भी दूंगी, तू कहे तो मर घट तक, उसके आगे तो अपना कोई लफड़ा नहीं, फूक फाक के आ जाएंगे, तू भी फ्री और मैं भी फ्री। अरे उसने कहा ये तीनों पत्नी मुझे नहीं चाहती है, बात क्या है, एक भी नहीं चाहती है। पूछा कि भाई तू मरघट तक जाएगी, आगे क्यों नहीं जाती है। बोले देख तू सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी, मैं दुस्से दुखी तू मुझसे दुखी, आ किसी बिल्डिंग से कूद के मर जाए तू भी सुखी और मैं भी सुखी। पहले नंबर की पत्नी जिसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था, देखा कि तीनों पत्नियों ने जवाब दे दिए, एक ने भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एक नंबर पीछे से आवाज आई इसे कोई तेरे साथ जाए या ना जाए, मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी। सिजारिया जी पहली पत्नी का दर्द है, मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी। तो बोले मैं नरक जाऊं, मैं नरक में भी चलूंगी, स्वर्ग में भी चलूंगी, तू कहे तो पशुपति चारों गतियों में चलने को तैयार हूं। सेठ
कि सोचना तुझे है लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा चलूंगी, तू नफरत कर तो भी तेरे साथ चलूंगी, और तू प्रेम करेगा तो भी तेरे साथ, मैं तेरा दामन कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे लोग सात जन्मों की कसम खाते हो, मैंने तो जन्म जन्म की कसम है तेरे साथ, मैं तेरा साथ। कभी सेठ की आंखें खुली, मैं जिसे नफरत करता था वो ही मुझे प्यार करता है। पूछा कि मैंने तुझे कभी प्यार की दृष्टि से नहीं देखा, तू फिर भी मेरा साथ देगी? बोली मैं बेवफा नहीं हूं, मैंने तुमको इतना चाहा जिसकी कोई था नहीं है, और तुम चाहो तब मैं चाहूं ऐसी मेरी चाह नहीं है। ईमानदार पत्नी रही उसकी। सेठ की आंख खुली, ठीक ये पत्नी ने आवाज दी कि मैं तेरा साथ कभी छोड़ूंगी। मान्यवर चंदा प्रभु भगवान दंडोदक गिरा रहे हैं पत्नी के नाम को सुनकर के, नहीं तो एक बार ऐसे ही हो गया केस, एक की पत्नी मरी वो उसका अंतिम संस्कार कर रहा, चिता जली, इतने में बिजली गरज गई, बादल गरजे, बिजली चमकी, पानी गिरने लगा, पति ने ऊपर देखा, बोले तहल कचरा लगता पहुंच गई। चोर सराफा शुरू हो गया, गई अब चिता जाए बाहर में वो तो पहुंच गई। ऐसे ही लग रहा पानी आने लगा है, पहुंच गई लगता है। ध्यान रखिए। पूछा, मैं भी आपसे कह रहा हूं भगवान चंद्र प्रभु के दरबार में कि चार पत्नियां आप सबके पास हैं, आपके पास भी हैं, बच्चों के पास भी हैं, छोटे महाराज के पास भी हैं, भले ब्रह्मचारी हो बाल ब्रह्मचारी हो, चार पत्नियां मेरे पास भी हैं। चार पत्नियां हर किसी को देकर के परमात्मा ने भेजा है, और आज मैं 1 जनवरी को एक बात कह रहा हूं कि 3 पत्नियों से प्यार करो या ना करो, पहली पत्नी से प्यार जरूर करना चाहिए। और जानते हो वो 4 नंबर की पत्नी जिसे सेठ बहुत प्यार करता था और उसने कहा कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, वह पत्नी है हमारा शरीर, जो दुनिया में आता तो है लेकिन जाता हमारे साथ नहीं है। और आदमी जिंदगी भर इस शरीर से प्यार करता है, पूरा जीवन इस शरीर के लिए नेछावर कर दिया करता है, लेकिन वह शरीर कहता है कि तू कितना भी प्यार कर ले, तू कितना भी मेरे लिए वक्त लगा दे, लेकिन मैं तेरे साथ अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, मेरा जो स्वभाव है वह कभी भी बदलने वाला। दूसरा पत्नी जो कहती है कि मैं बेवफा हूं आज तेरे साथ कल किसी और के साथ, वह धन दौलत की पत्नी हमारे मरते किसी और की झोली में चली जाती है, किसी और की तिजोरी में चली जाती है, किसी और के साथ चली जाती है। दूसरा प्यार हमारा उसी से होता है। और तीसरी जो पत्नी हुआ करती है जो कहती है कि लोक लाज से मरघट तक चलूंगी, वह है हमारे नाते रिश्तेदार जो मरघट के आगे हमारे साथ नहीं जाते हैं। और एक पत्नी है जिसकी हम जीवन मर उपेक्षा करते हैं, वह है हमारी आत्मा जो हमेशा हमारे साथ रहने को तैयार रहा करती है। किसी भी गति में जाओ, कहीं भी चले जाओ, वह कभी भी हमारा साथ छोड़ने वाली नहीं है। उसकी उपेक्षा करने वाला जीवन भर आंसू बहाता है। और जो एक पहली पत्नी को प्यार कर लेता है, वह पत्नी फिर ऐसी पत्नी होती है कि फिर जन्म मरण नहीं मोक्ष के महल में साथ हमारा देती है, शाश्वत और अजर अमर वह हुआ करती है। उस पत्नी का ध्यान रखिए, आज 1 जनवरी को कह रहा हूं, एक अपनी आत्मा ही इस जगत में शाश्वत है, बाकी सब क्षणभंगुर है, सब मिलना है। और दुख में सुख में अच्छे में बुरे में पीड़ा में विषाद में कोई अकेला हमारा साथी है तो अपनी आत्मा हमारी साथी है। आज मैं यही आशीष देता हूं कि आप सबकी झोली में चंदा प्रभु के दरबार में नए वर्ष पर कि तुम सबका प्रेम भी अपनी उस इकलौती पत्नी से जगना चाहिए जो 24 घंटे हमारे साथ रह करेगी, रह करती है, हमारे जीवन का उद्धार किया करती है। आज
एक जनवरी के दिन हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज इस धरती पर आए और उन्होंने हमें सत्य की वह बात बता दी कि बच्चे जीवन में सुखी होना है। अरे तीन पत्नियों को छोड़ और एक पत्नी को अपने जीवन में अंगीकार कर और वह पत्नी अंगीकार कर, आज उनका ही आशीर्वाद है। आज उनकी बात तुम लोग कह रहे साल ओढ़े ठंडी लग रही, ये लग रही, वो लग रही, सब चौथी पत्नी से प्यार करते, पहली से ही करते हो, एक भीतर वाली से करो, तीन बाहर वाली है और एक कौन बोला घर वाली है, वही हमारे साथ है। मान्यवर बहुत अच्छा मुझे यहां पर लगा, बाबूजी की शरद प्रेरणा रही कि मैं हर साल नया वर्ष किसी तीर्थ पर मनाता हूं। बाबूजी आए, मैंने कहा कि कोई नया तीर्थ में जाना चाहता हूं जहां मैं नहीं गया, तो उन्होंने कहा तिजारा आपका इंतजार कर रहा है। और मैंने इस तीर्थ को चुना। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि ऐसी समर्पित तीर्थ की कमेटी मैंने आज तक कहीं भी देखी नहीं है। इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देकर जाऊंगा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या दे सकता हूं, इनके तो डायरेक्ट ऊपर से मिला करता है, ये तो उससे लेते हैं जिससे हम खुद लेते हैं। वही चंदा प्रभु भगवान का दरबार दिनों दिन अतिशय यहां पर बढ़ता रहे, दिनों दिन भक्त जना करके अपने जीवन का उद्धार करते रहे। आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज के इतने उपकार हम लोगों के जीवन में है, आज जो कुछ भी हम हैं उनकी ही कृपा और आशीर्वाद का फल है। मैं तो इतना कहता हूं कि मेरे गुरु ने मुझे इतना दिया है कि अपने तन की चमड़ी की जूतियां बनाकर 7 जन्म पहनाऊं तो भी उनके उपकारों से कभी उऋण नहीं हो सकता हूं। आज वो भले दूर हैं, पुष्पगिरी तीर्थ पर हैं, लेकिन मैं यहीं से उन्हें प्रणाम करता हूं, वे चिरायु हों, दीर्घायु हों और शतायु हों, हमसे भी ज्यादा उम्र उनकी हो, मेरी उम्र और हम सारे शिष्यों की उम्र उन्हें लग जाए। वह इसलिए हम कह रहे हैं आज यहां पर क्योंकि हम लोगों की उम्र उन्हें लग गई तो देश का कोई नुकसान नहीं होगा, और उनकी उम्र हमें लगी तो देश का नुकसान होगा, क्योंकि पुष्पदंत वो हस्ती है कि हम जैसे 1000 पुलक सागर बना सकती है, हम जैसे 1000 तरुण सागर सौरभ सागर बना सकती है, लेकिन हम 1000 शिष्य मिलकर भी एक पुष्पदंत नहीं बना सकते। इसलिए उनकी उम्र सतत बढ़ती रहना चाहिए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। मान्यवर मेरा मन है कि मैं कल यहां से विदा लूं, क्योंकि मेरे सारे आज विदा ले रहे हैं। अब बारात आती है तो लड़की की माँ ही अकेली रह जाती है, बराती तो सब चले जाते हैं, और भगवान चंदा प्रभु कह रहे हैं कि ऐसे कैसे जाओगे, मौसम अनुकूल रहा तो कल दोपहर को 2 बजे हम अलवर के लिए यहां से प्रस्थान करेंगे। अलवर में हमारा कार्यक्रम है प्रवचन।